क्लास सिक्स एक्सरसाइज 5.4। तो यहाँ ये जो एक्सरसाइज है हमारा, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, इसमें बहुत ही आसान है ये, क्योंकि इसमें जितने भी फ्रैक्शंस का हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे सब लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन मतलब जिनके डिनोमिनेटर सब एक ही जैसे हैं। तो देख लेते हम एक दो एग्जांपल। जैसे वन का मैं पहले ही कर रहा हूं, ये प्रोसेस सबके लिए एक ही जैसे रहेगा। 7/11 और 3/11 को हमको ऐड करना है। सम यानी मैं से बोलते ऐड को बोलते सम को, ठीक है ना। सम मतलब ऐड करना है। तो 7/11 प्लस 3/11, तो पहला स्टेप क्या रहेगा भाई, एक जो आपका डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा, ऊपर जो है नंबर वो आप प्लस कर दोगे इस तरीके से। 7 + 3 10/11, दैट्स इट। तो एक दो, दो स्टेप का हमारा आंसर होगा इन क्वेश्चंस के लिए, ठीक है ना। जैसे आप तीन है तो तीनों को आप डिनोमिनेटर आपका 9 रहेगा। 8 + 3 + 1/9 आपका 8 × 4 = 12, 12/9 रहेगा। अच्छा आपका जैसे इसका एक बता ही देता हूँ मैं, इसको मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, लिख ही देता हूँ। 8/9 + 3/9 + 1/9, तो ये है आपके, तो टोटल आपका तीन फ्रैक्शन है। थोड़ा बड़ा लाइन खींचोगे, 9 आपका डिनोमिनेटर है तो वही रहेगा, और ऊपर जो नंबर है वो आप प्लस करोगे 8 + 3 + 1, तो ये आएगा 12/9। अगर आपका आंसर 12/9 दे रखा तो ठीक है, अगर मिक्स में देता है तो मिक्स में आपको सिखाया हुआ है कैसे आपको चेंज करना है, तो आंसर आपका होगा 9 × 9 = 3। अच्छा ये कटेगा 3 × 3 = 9। अगर ये आंसर रहता तो यहीं तक छोड़ देना आप, अगर नहीं रहता तो वो बता दे रहा हूँ। 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, तो क्या आ रहा 4/3। इसको हम मिक्स में लिखेंगे तो क्या आएगा हमारा, आएगा 3 नीचे रहेगा हमारा, डिवाइड करके जैसे करते हैं तो 1 1/3 आपका ये फाइनल आंसर आएगा अगर ये दिया होगा तो। नेक्स्ट, और जहां पर ये मिक्स वाले हैं इनको पहले आप इम्प्रॉपर में चेंज करोगे, आप चेंज करने के बाद जो प्रोसेस बताया गया वही फॉलो करो। नंबर टू, यहां प्लस की जगह आपको माइनस करना है, यहां प्लस की जगह क्या करना है, माइनस करना, बाकी स्टेप आपका जैसा प्लस में था वैसे ही रहेगा। इसका मैं एक देख लेता हूं मिक्स वाला, नंबर टू का बता रहा हूं मैं आपको, 9 पार्ट 5 1/2 माइनस 1 1/2। तो सबसे पहला काम है इसको हम इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, 2 5 = 10 + 1 = 11/2 माइनस 2 1 = 2 + 1 = 3 3/2। ये मिक्स में चेंज करना, ये सब इम्प्रॉपर करना, ये सब पहले आपके हो चुके हैं इसलिए इसमें गलती मत करना। अच्छा अब हमारा आ गया डिनोमिनेटर 2 है, ऊपर 11 माइनस 3, 11 - 3 8/2, ये कटेगा 2 1 = 2 4 = यानी 4/1, नीचे 1 होता तो लिखते नहीं, हमारा आंसर होगा 4, ठीक है। अच्छा अब देख लेते हम 3 वाला, इसमें आपके प्लस माइनस दोनों मिक्स हैं, तरीका वही है, मैं 3 का पहला वाला ही बता दे रहा हूं, सब सेम प्रोसेस है। तो 5 1/2 + 2 1/2 - 1/2, चेंज करेंगे इसको हम, 5 1/2 यानी 11/2 प्लस 2 1/2 यानी 5/2 माइनस 1/2।
तो आपका डिनोमिनेटर यहाँ 2 है, 2 ही रहेगा, ऊपर 11 प्लस 5 माइनस, जहां प्लस है प्लस। अच्छा, ये ऊपर जो आपको ध्यान रखना है कि प्लस जिनके आगे आगे प्लस साइन है, जैसे 11 के आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो जिनके आगे प्लस साइन उनको प्लस कर दोगे आप, उसके बाद माइनस करोगे आप, ठीक है ना। तो यहां 11 प्लस 5 16, 16 माइनस 1/2 16 माइनस 1 15, 15/2 इसको हम मिक्स में लिख सकते हैं, 15/2 को 7 1/2, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो आपको जैसे ये नंबर 2 वाला जब करोगे तो नीचे तो 11 ही आएगा, 12 माइनस 5 ये क्या होगा 12, ऊपर के बता रहा हूं मैं, 12 माइनस 5 प्लस 4, ठीक है ना, बाय 11 आएगा, ये हमारा पहला स्टेप। उसे प्लस वाले कौन से है, 12 है और 4 है, तो इन दोनों को प्लस, ऐसा नहीं कि 12 माइनस 5 माइनस कर दो फिर प्लस करो, ऐसा मत करना, बॉड मास का रूल फॉलो करना है, एडिशन होगा उसके बाद सब्ट्रैक्शन होगा आपका, तो 12 16 माइनस 5, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना, 12 बता रहा हूँ कि प्लस वालों को पहले करोगे आप, 16 माइनस 5 बाय 11 इजिकल टू 11/11, यानी ये 1 आएगा, 11 11 कट जाएगा, ये 1 आएगा, ठीक है ना। तो रूल आपको फॉलो करना है, रूल नहीं फॉलो करोगे तो कई जगह गलत हो जाएंगे। अच्छा, 1 2 3 में मैं आपको सारे नहीं दूंगा, 1 में आप थर्ड और सेवन्थ पार्ट, 2 में आप इसमें भी आप कर लो थर्ड और सेवन्थ पार्ट, और आप 3 में भी कर लो थर्ड और सेवन्थ पार्ट, ठीक है ना। तो 1 2 3 के आप थर्ड और सेवन्थ पार्ट ये आप दो दो करके पार्ट कर लेना। आगे बढ़ते हैं, नंबर 4 देखो, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 2 3/5 एंड 1 2/5 फ्रॉम 7 3/5। तो इन दोनों का सम यानी प्लस करोगे आप, प्लस करके जो आएगा वो इससे माइनस करो, यानी माइनस करके इन दोनों का जो प्लस करके आएगा वो यहां आएगा। तो पहले आप दोनों को प्लस, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 3/5 ये आसान होगा प्लस, सॉरी 7 3/5 से सब्ट्रैक्ट करना है तो उसको पहले लिखोगे आप, 7 3/5 से इसको घटाना है इन दोनों का जोड़ को, तो 7 3/5 माइनस, यहां ब्रैकेट दोगे, ठीक है ना, 2 3/5 प्लस 1 2/5, ठीक है। तो आप पूरा एक साथ ही करोगे इसको, इन दोनों को पहले जोड़ लोगे आप और इसको साइड साइड में लिखते रहोगे आप, इसको पहले इम्प्रॉपर में चेंज, सबको इम्प्रॉपर में चेंज करना है, फेस वाले को पहले सॉल्व करके जो आएगा फिर 7 3/5 से माइनस आप करोगे। नंबर 5, एड 2/3/8 टू द डिफरेंस ऑफ, एड 2/3/8 2 3/2 द डिफरेंस ऑफ दिस, तो डिफरेंस यानी इन दोनों को माइनस करोगे, माइनस करके जो आएगा उसके साथ इसको आप जोड़ोगे। नंबर 6, जयंत बॉट 4/5 kg ऑफ ड्राई फ्रूट्स एंड ही एट 2/5 kg, तो इतने ड्राई फ्रूट्स लेके आया इतना किलो, उसमें से इतना किलो खा गया, कितना, हाउ मच वॉज लेफ्ट, यानी कितना बच गया था, तो माइनस करना है। स्टेटमेंट क्या होगा, अमाउंट ऑफ ड्राई फ्रूट्स, अच्छा आप सीधा लिख सकते हो, अमाउंट ऑफ ड्राई फ्रूट्स लेफ्ट इक्वल्स टू 4/5 माइनस 2/5, ब्रैकेट लगा के इधर केजी लिखो गया था ना, किलो था, इसको माइनस करके जो आएगा केजी में आपका आंसर आ जाएगा। नंबर 7, सुनील डिड 3/7 ऑफ हिज होमवर्क ऑन सैटरडे एंड 2/7 ऑन संडे, हाउ मच ऑफ द वर्क डिड ही डू ओवर द वीकेंड, वीकेंड यानी सैटरडे संडे दोनों को मिला के वीकेंड बोला जाता है, तो यानी दोनों दिन मिला के उसने कितना काम कर लिया, तो अमाउंट ऑफ वर्क ही डिड इन डिड ओवर द वीकेंड इज इक्वल टू 3/7 प्लस 2/7। नंबर 8,
अ रिबन विच इज 4 1/3 मीटर लॉन्ग इज कट इन टू टू पीसेस. तो एक फीता है वो इतना लंबा है 4 1/3, उसको दो पीस में काटा जा रहा है. लेंथ ऑफ वन पीस इज 2 2/3 मीटर. तो एक पीस आपका 2 2/3 मीटर है. व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अदर पीस, दूसरा टुकड़ा कितना है. तो आप लिखोगे द लेंथ ऑफ द अदर पीस इक्वल्स टू जितना टोटल था 4 1/3 माइनस 2 2/3, है ना. उसमें से माइनस कर दोगे तो जो बाकी बचा हुआ है दूसरा टुकड़ा उसका माप आपको मिल जाएगा. स्टेटमेंट जैसे बता रहा हूं मैं उस तरीके से आप अच्छे से लिखना. 9, 10, 11 ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं एक्स्ट्रा. तो आपको जैसे मैंने बताया है 1, 2, 3 के जो तीन दो दो पार्ट है वो करने हैं आपको, और 4 से लेकर 11 तक ये पूरा आपको करना है. ठीक है ना. क्वेश्चन लिख के करना कॉपी में तो चेक करने में सुविधा होता है. ठीक है ना. छोटे छोटे क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख के आप करना कॉपी में.